नमस्कार, चैनल यंग सन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित शर्मा। दोस्तों, आज की तारीख है 1 अक्टूबर। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि 1 अक्टूबर सन 1949 को ही इस विशाल गणराज्य की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे चीन के उस महान नेता की, जिसके अजीब संकी विचारों ने चीन के 6 करोड़ नागरिकों की बलि ले ली थी। वो महान चीनी नेता थे चीन के तानाशाह चेयरमैन माओ ज़ेडोंग, जिन्हें हम हिंदुस्तानी लोग माओ से तुंग के नाम से ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते हैं। देखते रहिए यंगस्टर टाइम्स की ये विशेष प्रस्तुति, सन की तानाशाह माओ से तुंग। चीन के हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में 26 दिसंबर सन 1893 को जन्मे माओ अपने जीवन काल में दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। मशहूर टाइम पत्रिका ने उन्हें 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया था। चीन के लोग उन्हें एक महान प्रशासक मानते हैं। उन्हीं माओ ज़ेडुंग के निजी डॉक्टर रह चुके जी शी ली ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ। इसमें उन्होंने चीन के इस नेता के बारे में कई हैरान करने वाली बातें बताई हैं। डॉक्टर जी शी ली की किताब के मुताबिक माओ जब सोकर उठते थे तो ब्रश करने के बजाय दांतों को साफ करने के लिए चाय की हरी पत्तियों के पानी से कुल्ला किया करते थे। ये उनका रोजाना का काम था, इसीलिए माओ के दांतों को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उन्हें हरे रंग से पेंट कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, माओ नहाते भी कभी कभार ही थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें नहाने से कुछ नफरत सी थी। माओ से तुमकी सोने और उठने की आदतें भी इतनी ही अजीबोगरीब थीं। कहते हैं कि उनका दिन रात से शुरू होता था। जब पूरी दुनिया सोती थी तो वो काम करते थे, और जब लोगों के उठने का समय होता था तब वो सोने जाते थे। उनके बारे में एक और बात काफ़ी मशहूर है, वो हमेशा अपने एक ख़ास पलंग पर ही सोते थे, क्योंकि उन्हें किसी और बिस्तर पर नींद ही नहीं आती थी। यहाँ तक कि जब वो विदेश यात्रा पर जाते थे तब भी उनका ख़ास पलंग हमेशा उनके साथ जाता था। माओ की एक और जीवनीकार जंग चैंग लिखती हैं कि माओ की याददाश्त बेहद गजब की थी और वे पढ़ने लिखने में भी बहुत शौकीन थे। माओ के बेडरूम में उनके पलंग के आसपास चीनी साहित्य किताबों का ढेर पड़ा रहता था। वो उन्हें पढ़ते भी थे। उनके भाषणों में अक्सर उन किताबों के लिए उद्धरणों का इस्तेमाल होता था। वो अक्सर मुड़े हुए कपड़े पहनते थे और उनके मूजों में छेद भी हुआ करते थे। उनको निकट से जानने वाले लोगों ने बताया था कि वे घर पर सिर्फ एक नहाने वाला गाउन पहनते थे और अधिकतर नंगे पैर ही रहते थे। माओ की इस विचित्र शैली का प्रभाव बेशक उन तक या उनके संपर्क में आने वाले लोगों तक ही सीमित रहा, लेकिन उनके कुछ कार्यक्रम ऐसे सनक भरे रहे जो चीनी जनता के लिए भयंकर अभिशाप साबित हुए। माओ की सनक का पहला उदाहरण तो साम्यवादी चीन की आज़ादी के फौरन बाद ही सामने आ गया था। दरअसल 1 अक्टूबर सन 1949 को चीनी गणराज्य की घोषणा के फौरन बाद माओ ने चीनी जनता को साम्यवाद की वो व्याख्या समझाने का अभियान चलाया जिसे वे स्वयं सबसे ठीक समझते थे। इसको उन्होंने पुनर्शिक्षा अभियान का नाम दिया था। इसके अंतर्गत माओ ने पूरे देश में जन शिक्षक भेजे जो शहर शहर गांव गांव सभाएं कर लोगों को माओ के विचार समझाते थे, और जो व्यक्ति ज़रा भी शंका या विरोध जाहिर करता था उसे पीट पीट कर मार देते थे। अनुमान है कि 50 लाख से अधिक चीनी नागरिक माओ के इस पुनर्शिक्षा अभियान की बलि चढ़ गए। इसमें जमींदार सामंत और बुद्धिजीवी वर्ग के वे लोग अधिक थे जिन्हें माओ के लोग बोर्जुआ कहा करते थे। खुद माओ का भी कहना था कि जनता की पुनर्शिक्षा के लिए बल प्रयोग और हिंसा पूरी तरह जायज़ है।
सन 1958 में माओ पर फिर एक नई सड़क सवार हुई। उन्हें लगा कि देश में यदि तीन मुख्य अंतर तेजी से मिट जाएं, गांव और शहर के बीच का अंतर, दिमाग और हाथ के बीच का अंतर, और कृषि कार्य व औद्योगिकीकरण के बीच का अंतर, तो चीन पश्चिम के औद्योगिक देशों के पीछे छोड़कर अपने समाज का बहुत जल्द ही साम्यवादी कायापलट कर सकता है। ये विलक्षण ज्ञान मिलते ही उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना को रोककर आगे की ओर लंबी छलांग, जिसे लॉन्ग मार्च कहा गया, उसका अभियान छेड़ दिया। शुरुआती गांव से हुई, किसानों से उनके खेत खलिहान छीन कर उन्हें सामूहिक खेती के लिए बाध्य कर दिया गया। जोर जबरदस्ती भरा खेती का वह तरीका बिल्कुल नया था। किसान परेशान थे, कृषि पैदावार रसातल में चली गई थी, भुखमरी से पूरे चीन में हाहाकार मच गया था। माओ सिन की लंबी छलांग एक ऐसा छलावा सिद्ध हुई जो चीन के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी भुखमरी कहलाई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसमें 4.5 से 5 करोड़ लोगों के प्राण चले गए। लेकिन इस बार एक नई बात हुई, माओ का पहली बार ढके छिपे स्वरों में विरोध शुरू हो गया। परंतु माओ को भला ये बात कहाँ सहन हो सकती थी। उन्होंने ऐसे लोगों को रास्ते से हटाने के लिए सन 1966 में सांस्कृतिक क्रांति के नाम से एक नए अभियान का बिगुल बजा दिया। उद्देश्य था विरोधियों पर वर्ग शत्रु या संशोधनवादी होने का ठप्पा लगाकर उनका सफाया कर देना। माओ ने कहा कि उनकी नीतियों का किसी भी रूप में विरोध करने वाले सारे बुद्धिजीवी साम्यवाद विरोधी हैं, जनता के शत्रु हैं, प्रतिक्रियावादी हैं, इनके विरुद्ध जीने मरने की लड़ाई लड़नी होगी। माओ ने इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मसल देने का आह्वान किया। बस फिर क्या था, माओ की लिखी लाल पुस्तक हाथ में लिए बच्चे और छात्र जो सांस्कृतिक क्रांति के लाल रक्षक यानी कि रेड गार्ड कहलाते थे, हर दिन हजारों लाखों की संख्या में गांव शहरों की सड़कों पर निकलते और माओ के कथित शत्रुओं को ढूंढते हुए उन पर टूट पड़ते। स्थिति ये हुई कि रेड गार्ड से अपने माता पिता, बड़ों बूढ़ों, बुजुर्गों, शिक्षकों, अध्यापकों आदि सबको सरेआम निंदित किया, अपमानित किया, प्रताड़ित किया, और जो उनके विचार से चेयरमैन माओ के प्रति निष्ठावान नहीं थे उन्हें अपने देश में पुस्तकालय, देवालय, मूर्तियां, स्मारक इत्यादि जो भी लाल पुस्तक के अनुसार गलत, भ्रामक, बोर्जुआ, पुरातनपंथी या धार्मिक लगती थी, उन सब वस्तुओं को ध्वस्त कर दिया। माओ के आलोचकों के लिए उनके पास एक ही उत्तर था, मार डालो। अनुमान है कि माओ के इस सफाई अभियान ने 10 से 30 लाख लोगों की बलि ली। सांस्कृतिक क्रांति ने माओ की सत्ता को किसी बादशाह जैसी अक्षुण प्रभुसत्ता प्रदान कर दी। इसके अलावा सन 1958 में माओ ने एक और खतरनाक अभियान शुरू किया था जिसे फोर पेस्ट कैंपेन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत उन्होंने पूरे देश में 4 जीवों, मच्छर, मक्खी, गोरैया, चिड़िया और चूहों को खत्म करने का आदेश दिया था। चीनी जनता ने भी माओ के इस अभियान को सफल बनाने में पूरा जोर लगा दिया। लेकिन कुछ समय बाद इस अभियान के जो दुष्प्रभाव सामने आए उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। शोधकर्ताओं की माने तो माओ के फोर पेस्ट कैंपेन की वजह से चीन में एक भयानक अकाल पड़ा। देश के अधिकांश हिस्सों में लोग भुखमरी के शिकार हो गए। माना जाता है कि उन दिनों चीन में भुखमरी से करीब 15 मिलियन यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। माओ की ऐसी सनक भरी नीतियों और सिर्फ अभियानों का आतंक एक समय चीन के जनजीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। कौन कब इस आतंक का शिकार बन जाए, किसकी कब मार मार कर हत्या कर दी जाए, कोई नहीं जानता था। दुनिया भीड़ द्वारा जिस पीट पीट कर मार डालने को घोर निंदनीय लिंच जस्टिस कहती है,
माओ से तुम के चीन में वही राज्य आदेशित सबसे प्रशंसनीय न्याय था।